इधर पानी भरता था, ये स्टोर रूम है, सारी छत वो थी, यहाँ ब्लॉक सारे टूटे हुए हैं, सेम एज लाठगढ़, वहाँ का भी भेज दिया, शाहबाद का भी भेज दिया, उसमें कोई 15-30 फुट डीप उन्होंने बुकिंग कर दी, मैंने पर्सनली विजिट करके जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी हमने प्रपोजल भेज दिया सर, यहाँ से तो हम बना के भेजते हैं बिकॉज एस्टिमेट हमारे पास नहीं होता, वो पुलिस आ रहा और जैसे पीएसटी साहब के साथ मीटिंग हुई थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी आएगा सर। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद जी का धन्यवाद करता हूं, इनका बहुत अच्छा एक विज़न, बड़ी सोच है कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से विकास हो। आज जो लॉन्ग रूट की बसें थी हमारे यहां बड़ी करना पड़ी थी, करीब यहां से 15 बसें कुशेदा से हमारे माननीय जी एम साहब के माध्यम से यहाँ से चल रही हैं। आज एक बस बैजनाथ जा रही है, एक बस अपना अमृतसर जा रही है, तो जितनी भी बसें हैं इसको हम लॉन्ग रूट पर चलाएंगे, नई बसें हमें मिली है, इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ताकि जितने भी यात्री हैं वो जो आते हैं उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, समय पर वो अपने घर पर पहुँच सके, ऐसा ही हम चाहते हैं। तो क्षेत्र तो एक वैसे भी हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर तो मैं और भी डिमांड करने वाला हूँ कि इस प्रकार से मिनी बसों की डिमांड करने वाला हूँ कि ताकि जो टूरिस्ट आता है यहाँ पर मिनी बसें चले जाएँ, ओपन भी बसें चली जाए, उसके लिए अभी प्लानिंग हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आगे मैंने अभी हमारी डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी गुरु साहब के यहाँ, वहाँ भी मैंने और डिमांड बसों को रखी है जो अपना मिनी बस है जो क्षेत्र में चलेंगी यात्रियाँ। कुछ बसेज हम पेवा में भी भेजेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लॉन्ग रूट पे जो सभी बसेज को लॉन्ग रूट पे चलाएं ताकि यात्री परेशान ना हो, ताकि हम जो बाकी बसेज हैं उनको हम लोकल रूट पे कवर कर सकें। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी, MLA साहब, सभी के प्रयासों की वजह से ये हमारा डिपो दिन दूरी रात चौनी उन्नति कर। थैंक यू। यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपरफास्ट।